अब मॉडल नंबर सबसे पहले डिस्प्ले, ठीक है, लिफ्टिंग डबल डबल एंड ये क्या अपना सेक्शन ट्रिमर वर्क मोड, हाँ ठीक है, वर्क मोड यहाँ से चेंज होगा मैनुअल सेमी ऑटो ऑटो, इसको भी हमने चलाना है, हाँ मैनुअल चलाना है ऑटो चलाना ओके करेंगे, ये ऑटो आ गया, हाँ अब मैं यहाँ फैब्रिक फैब्रिक ये बिना विदाउट पैडल के मैं इसे यूज कर सकता हूँ, फिर हम वर्क मोड चेंज करते हैं अपना मैनुअल, मैनुअल में आपका ना सेंसर कोई काम करेगा, हाँ इसमें आप ढक्कन खुला भी रहेगा जब भी मशीन चलेगी सिर्फ पैडल से, हाँ ये मैनुअल हो गई हमारी, इसमें इधर चैन निकलेगी, हाँ इसको हैंड कटर से यूज करना है, हाँ ये हैंड कटर यूज होगा, ये हैंड कटर यूज करना पड़ेगा मैनुअल में, स्विच फिर हमें सेमी ऑटो लेंगे, सेकंड बटन है हमारा ट्रिमर का, इसमें फ्रंट भी चल सकता है, सिर्फ फ्रंट भी चल सकता है, सिर्फ रियर भी चल सकता है, दोनों चल सकते हैं, ये दोनों ऑफ भी हो सकते हैं, सेम प्रोसीजर अपना इसका सेक्शन डिवाइस का है, इसका भी यही फंक्शन है सेम, फ्रंट भी रियर भी और फ्रंट एंड बैक भी सेम फंक्शन, ये स्पीड है हमारी, यहाँ से हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारा प्रेशर फुल लिफ्टिंग है, इसको भी हम फ्रंट और बैक यूज कर सकते हैं, ओनली फ्रंट ओनली रियर और फ्रंट एंड रियर दोनों, ठीक है, दूर से थोड़ा सा दूर, ठीक है, ये लाइट है ब्राइटनेस के लिए, ठीक है, ये वाली हाँ कैमरे में, ये ब्राइटनेस के लिए हैंडल लैंप है, ये जो है मेरा हाथ यहाँ इधर ये, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, कम से कम जीरो पे ऑफ हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ब्राइटनेस तक ये जाएगा, फिर ऑफ हो जाएगा, सेम इसके ये लैंप के लिए है, ये कंट्रास्ट के लिए जो इसकी कंट्रास्टिंग है इसको भी हम बढ़ा घटा सकते हैं, ज़्यादा चमक करनी है या कम करनी है, फिर इसका बैक लाइट को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, ये 6 पे मैक्सिमम है, ये 0 करके इसे ऑफ कर सकते हैं, ज़्यादा 3 पे 4 पे रखते हैं, ठीक है, इतना हो गया, अब हम इसकी जैसे यहाँ देखें, ये अभी हमारा सेमी ऑटो मोड है, इसमें हमारे ये 0 नहीं आ रहा, हमें चाहिए 0, तो इसकी एडजस्टमेंट हम अपनी डिस्प्ले से करेंगे, यहाँ पे आएगा फ्रंट ट्रिमर डिले टाइम 15 सेकंड है, इसको हम बढ़ाएंगे 30, फिर एक बार और ट्रिमर दबाएंगे, ये बैक ट्रिमिंग आ गया, इसको भी हम कर देंगे 30 या 35, ये फैब्रिक और थ्रेड के अकॉर्डिंग है, ये भी थोड़ा सा और कम करना है, ये हमारा 0 पॉइंट हो गया है बिल्कुल रेड, और ये बैक साइड का ये भी 0 चाहिए, तो इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं हम दोबारा, ये बैक साइड के लिए 40 है, तो अभी 60 पे करके चेक करते हैं, ये 0 आ गया हमारा 60 पे, इससे ज़्यादा कम करेंगे आप तो ये धागा खुलने के चांस होते हैं, ठीक है, एक इधर ऊपर से ले लो, अब इसके सेंसर भी, ये फ्रंट सेंसर होता है, ये मिडिल सेंसर होता है, ये अंदर की साइड जो तीसरा सेंसर है थर्ड सेंसर होता है ये वाला, ये ट्रिमिंग के लिए यूज होता है, इसमें 2 सेफ्टी स्विच है, एक हमारा यहाँ दिया हुआ होता है ये साइड कवर के अंदर,
ठीक है ठीक है, ये वाला हाँ, सेफ्टी स्विच है। हाँ हाँ, सेकंड हमारा यहाँ दिया होता है प्रेशर फुट की तरफ, प्रेशर फुट की तरफ। अगर हमारा प्रेशर फुट खुला रहेगा तब भी बंद नहीं होगा, तब भी नहीं चलेगी मशीन। और अगर हमारा कवर खुला रहेगा जब भी नहीं चलेगी। यहाँ पे ये सेफ का ऑप्शन आ जाएगा, एरर 36 आ जाएगा अगर ये खुला रहेगा तो। अगर ये दोनों बंद रहेंगे तभी मशीन हमारी रन कर सकती है। ठीक है ठीक है, मेरा फोन ऑटोमेटिक ले लो, नीचे ले लो पूरी वीडियो। हमारा भी लेना है, नहीं नहीं इधर से, इधर से क्या क्या है डिवाइस इसके पीछे। ये हमारा फुट लिफ्टिंग के ट्रिमर के लिए है, सोलोनाइट। ये हमारा क्या नाम है सिलेंडर, इसके फुट लिफ्टिंग के लिए है। ठीक है, नीचे की साइड सेक्शन डिवाइस का सिस्टम है। ये हमारा क्या नाम है सक्शन डिवाइस का है पूरा। ये डस्ट बैग है साइड में। ये रेगुलेटर के साथ कंट्रोल करना है, इसका एयर प्रेशर रखना है 5-6 के बीच में। ठीक है बस।